हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि कर्क राशि कैंसर, इनके लिए इस वीक में क्या क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें यूनिवर्स की तरफ से आपको बताई जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि हर बात हर एक से रेजोनेट नहीं होती है दोस्तों। और तीसरी बात ये है दोस्तों, आप अपने नाम की राशि के अनुसार या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किसी भी तरीके से इन कार्ड्स की रीडिंग को देख सकते हैं। इट अप्लाइज टू एवरीवन। तो आइए दोस्तों, हम कर्क राशि के जो कार्ड्स निकाल रहे हैं, आपके जो कार्ड्स निकले हैं दोस्तों, द बर्निंग टावर, सेकेंड कार्ड इज जस्टिस, एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर। ये जो आपके कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, ये देखकर, जैसे कि द कार्ड ऑफ टावर, इसको देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक्चुअली दिस कार्ड इज शोइंग दैट आपकी कोई लव रिलेशनशिप कोलैप्स हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। या हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रखा था, वो प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाए, खराब हो जाए, या गुम जाए, फट जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर आपने आपके जो बिजनेस में आपने कोई नया टारगेट सोच रखा था, मे बी पॉसिबल आपको वो टारगेट भी ना मिले। तो ये सब जो चीज़ें हो आपके साथ, नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ें ये शो कर रही हैं कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ये पुराना सब कुछ चला जाएगा आपके हाथ से, आपके पास कुछ नया आने वाला है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, और उस नया स्टार्ट करने में आपको लीगल पूरी लीगल आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाली है, आपको लीगल, आप लीगल प्रोटेक्शन में रहेंगे। और उससे भी बड़ी बात है, ये जो आपको लीगल प्रोटेक्शन है, ये कोई फादरली फिगर से मिलने वाली है। दैट मीन्स सम मेल इज़ गोइंग टू कम एंड हेल्प यू। जो कोई मेल फिगर है जो अथॉरिटेटिव है, मे बी पॉसिबल उनके पास अथॉरिटी हो, उनके पास लीगल प्रोटेक्शन हो, वो आकर आपको हेल्प करने वाले हैं। और ये हो सकता है, ये जो मैं आपको फिगर की बात बता रही हूँ, वो मेष राशि के हो सकते हैं, पॉसिबली वो एरीज मेष राशि के हो सकते हैं, या वो लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई, इन दोनों राशियों में से कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। आपका जो भी इस बार में नुकसान हुआ है, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या आपका स्पाउस के साथ प्रॉब्लम चल रही है, आपकी फैमिली लाइफ में गड़बड़ चल रही है, और उस कारण आपके रिलेशंस में जो गड़बड़ आ रही है, या प्रोजेक्ट में किसी भी चीज़ में आ रही है, तो यू आर गोइंग टू गेट अ लीगल प्रोटेक्शन। आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, और उसमें कोई फादरली फिगर होंगे, जो कि विद अथॉरिटी ही द पर्सन विल कम एंड हेल्प यू। तो इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी काम यदि कर रहे हैं तो बी केयरफुल। कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसको केयरफुली कीजिए। और यदि कोई आपको हेल्प भी करने आता है, तो आप उनसे हेल्प ज़रूर लीजिए, पर उस बारे में भी सारी जानकारी अच्छे से कर लीजिएगा। और जो वो आपके काम को दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं, दोबारा से आप कोई नए रिलेशनशिप में आते हैं, तो ये आपके लिए इस वीक में सबसे अच्छा रहने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय।